दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी आज सेक्टर 28 में पहुंच गई। आप लोग देख रहे हैं जनता के काम हो रहे हैं, राशन कार्ड के काम, परिवार पहचान पत्र के काम, पेंशन के काम, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और जिनमें इनको दिक्कत आ रही है, आज जो है करेक्शन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में, ताकि इन तक सरकार की योजनाएं पहुंच सकें। आप लोग देख रहे हैं यहां पर भीड़ लगी हुई है और देखते हैं यहां पर कौन कौन से काम हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो मुझे लगता है परिवार पहचान पत्र में जो प्रॉब्लम आई है, जो इनकम वगैरह ज़्यादा बढ़ा दी गई है और जिनकी वजह से ये सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, यहाँ पर वो काम हो रहा है और ज़्यादातर दिक्कत परिवार पहचान पत्र में ही आ रही है। तो क्या दिक्कत आ गई हमारा यहाँ कार्ड कट गया? नहीं कट है। क्या दिक्कत? आयुष्मान कार्ड के लिए। आयुष्मान कार्ड के लिए आप सब? सब आयुष्मान कार्ड के लिए। हाँ जी, चलो जी, आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो फायदा होगा, इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो जाएगा और जहाँ भी सरकार के हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी इनका इलाज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी लाइन लगी है, चारों तरफ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग लाइनों में लगकर अपने काम करा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग भी हैं प्रशासन के, और उधर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर भी बैठे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं एक बड़ा प्रोग्राम फरीदाबाद सेक्टर 28 में हो रहा है और इधर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। ये तमाम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, तो हम वो भी आपको दिखा देंगे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और पब्लिक के बीच में बातचीत हो रही है। तो यहाँ से दिखाएंगे थोड़ी देर, आप लोग देख रहे हैं सामने स्क्रीन लगी है। नमस्कार, सामने स्क्रीन लगी है और मोदी जी बातचीत कर रहे हैं जनता से। सरकार की योजनाओं का थोड़ा कम ही करो, कम ही करो। हाँ, मुझे देखकर भी अच्छा लगा। तो देख रहे हैं मोदी जी बातचीत कर रहे हैं और उधर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर और तमाम भाजपा नेता और तमाम प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग सुनिए मोदी जी किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से रुबीना खान जी जुड़ी है। रुबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने 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 दीदी समूह? 1,00,000 दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके आई और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 2-3 4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अगर मोटरसाइकिल से मैं साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लेके आप? जी सर मारुति वैन लेके मैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर, और इसको फिर मैं लेके मैं गांव गांव बेचने जाती थी तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी,
और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, चल रही है, तैयार। आइए वहाँ देखते हैं पब्लिक के कौन कौन से काम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट खुद चलकर आए हैं कि पब्लिक के जो भी काम पेंडिंग है या जो भी सरकारी योजनाएं इनको नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर उन योजनाओं का लाभ मिले। तो यहाँ पर देखिए आयुष्मान भव ये काउंटर लगा है, पूछते हैं क्या क्या काम हो रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे इधर से टीबी की जांच हो रही है। हाँ। यहाँ पे जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत निरोगी के कुछ कार्ड में अपडेशन होता है तो वो यहाँ पे हो रहा है, साथ में हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं और ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं, उसके बाद में शुगर और उसके बाद बीपी चेक कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। जब तक मंत्री जी हैं प्रोग्राम चल रहा है तभी तक है यहाँ पे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो कह रहे हैं जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक जो है ये लोग बैठे रहेंगे, किसी को अपना हेल्थ चेकअप कराना है, शुगर, हीमोग्लोबिन और भी चीज़ें होते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो यहाँ पर चेक हो जाएगा। अब यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं तो कोशिश करें। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया, राम राम। क्या हाल है? अभी हुई कहाँ से? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर, क्या काम हो रहे हैं यहाँ? सर नगर निगम से हैं शशि कुमार, और यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग करेक्शन और नई आईडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं का काम चल रहा है। तक बैठे रहेंगे हम जी, जिस टाइम तक पब्लिक आती रहेगी हम बैठे रहेंगे, चाहे कोई भी टाइम हो जाए। आज कैंप लगा है? कैंप लगा हुआ जी बिल्कुल, और पब्लिक आ रही है अपने काम को। प्रॉपर्टी कार्ड में जो है दिक्कत है, करेक्शन वगैरह यहाँ पर उसको बिल्कुल साथ के साथ कर रहे हैं सर हम जी। प्रॉपर्टी आईडी, धन्यवाद, थैंक यू। देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आप देखिए मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ पर पहुँची है तो काम जरूर होंगे। आप लोग देख रहे हैं बैंक से भी आए हैं, देखते हैं बैंक वाले क्या कर रहे हैं। भैया हटना थोड़ा सा। सर राम राम, क्या हाल है? क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? स्टेट बैंक के जनधन खाते खोले जा रहे हैं। खाते खोले जा रहे हैं, अच्छा जी, कैसे खुलवा सकते हैं खाते? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो, जीरो वाले होते हैं, जीरो बैलेंस, मोदी वाले, मोदी जी वाले। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। तो देख रहे हैं सेक्टर 28 में आप आ सकते हैं, तो आ जाइए, जनधन खाता भी खुलवा सकते हैं जीरो बैलेंस पर, यानी कि कोई उसमें पेमेंट पैसे रखो या ना रखो, आप जो है यहाँ पे जो है खाते खुलवा सकते हैं। जनधन जो योजना है मोदी सरकार की, मोदी जी चाहते हैं कि सबका बैंक खाता हो, बैंक खाते में अपने पैसे रखे जाएं ताकि वो पैसे सुरक्षित भी रहे, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, क्या काम हो रहे हैं भैया यहाँ पे? सर यहाँ लोन का है, नए बिजनेस के लिए लोन दिए जा रहे हैं। नए बिजनेस के लिए लोन, क्या रिक्वायरमेंट है? सर यहाँ पे कोटेशन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास है नहीं, सब्सिडी मिलती है। कितने तक का लोन मिल जाता है? 1 लाख से 1 करोड़ का है जी। अच्छा जी। हाँ जी, उसमें सब्सिडी हमारी तरफ से होती है 15-35% सर। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बैंक से? MSME डिपार्टमेंट है हमारे पास, सब्सिडी। हाँ जी, सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं और लोन बैंक देता है हमारे पास ना। हम फाइल क्या पेपर लेकर आने हैं सर? यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की फोटो कॉपी और कच्ची कोटेशन, फिर हम उसके बाद हम देखते हैं और उसके बाद हम फाइल प्रोवाइड करते हैं उनको, फाइल बना के ऑनलाइन हम ही प्रोवाइड करते हैं बैंक को, वो प्रोसेसिंग फी जीरो होती है हमारे पास, कुछ प्रोसेसिंग फी भी नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो लोन लेना है तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ बता दो और कुछ रह गया? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बेनिफिशियरी इनको मिल चुका है लोन। सर आइए। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है? राम कुमार नाम है सर हमारा। लोन के लिए अप्लाई किया था? लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन हमें मिला है 10,000 का अप्लाई था हमारा, 10,000 का मिल चुका है, भर दिया हमने। 20,000 का लिया था, 20,000 का भी हमने कंप्लीट कर दिया है, प्लस हमें 50,000 का लोन तैयार हो गया है, हमारा चल रहा है। और हम 28-29 में रेडी की दुकान लगाते हैं सब्जी मंडी में, 28-29 फरीदाबाद में, तो हमारा ये भी काम है। और मतलब सरकार ने हमें जो नगर निगम है हमारी, उन्होंने पक्का करके दिया है, सरकार ने हमें पक्का करके जो मंडी थी 28-29 की कंप्लीट करके दी है, और हमारा जो लोन है लोन ले रहे हैं और हमारा काम एकदम बढ़िया चल रहा है। मतलब पहले 10,000 का लोन लीजिए, अच्छी तरह से उसको भर दीजिए, फिर आपका क्रेडिट जो है बन जाएगा, फिर आगे और ज़्यादा लोन ले सकते हैं, उसको भी भर दो और लोन आपका बढ़ता जाएगा।
जैसे हमने 10,000 का लिया वो हमने कंप्लीट कर दिया, 20,000 का लिया 20,000 का हमने कंप्लीट कर दिया, हमने 50,000 का ले रहे हैं अभी 50,000 का हमारा कंप्लीट होता है फिर हमारा 1,00,000 का आता है, 1,00,000 से 2,00,000 फिर ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, हमारा कंप्लीट होना चाहिए और हमें सरकार लोन देती रहेगी और हम भरते रहेंगे। स्कोर आपका बन जाता है बढ़िया तो बैंकों को भरोसा हो जाता है। हाँ बैंकों को चुका देगा इसको देने में कोई, हाँ बैंकों को हम पे भरोसा हो जाएगा, जैसे हमें 10,000 का कंप्लीट कर दिया तो 10,000 से लेके जितना हमें ऊपर चढ़ेंगे, जितनी सिटी ऊपर चढ़ेंगे तो जितना हम कंप्लीट करके जाएंगे, तो इसलिए मतलब कंप्लीट करेंगे तो सरकार हम पे भरोसा करेगी, हमें सरकार पे क्योंकि हमें अपना काम एकदम कंप्लीट करके देना है। ठीक है सर, बढ़िया, धन्यवाद, और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ मैं, और अपने जो किशन पाल जी हैं, खट्टर जी हैं, और मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ दिल से। ओके सर, जय भारत। फायदा होता है, धंधा बढ़ रहा है आपका? हाँ धंधा बढ़ रहा है हमारा, पहले हम छोटी सी दुकान लगाते थे अपनी 28-29 सब्जी मंडी में, कच्ची रेडी थी हमारी, ऐसे लेके डोलते रहते थे, जब हमें 10,000 का मिला तो थोड़ा हमने एक दो आइटम और बढ़ाई, फिर हमें 20,000 का मिला फिर और बढ़ाई, अब हमें 50,000 का मिला है तो हमने अपनी दुकान कंप्लीट करके ऊपर बढ़िया तरह से एकदम धंधा हमारा और बढ़ रहा है, एक लड़का और काम पे हमने रख रखा है इसलिए। चलो एक जॉब भी दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपका, धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं, हाँ जी क्या है वहाँ? भड़कता हुआ न्यूज है जी, भड़कता हुआ न्यूज है। क्या भड़कता? हाँ हाँ, नमस्कार 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 सर, बताइए क्या दिक्कत आ गई? ये राशन कार्ड हमारा बना सर, राशन कार्ड हम लोग का दिखाने दो, ये राशन कार्ड बना है। हाँ राशन कार्ड है आपका, और ये जो है ना हमारा मकान जो हम किराए पे हैं, किराए पे रहते हुए ये देखिए कितना का बिल बना कर दिखा करके हमारा राशन कार्ड का। अच्छा परिवार पहचान पत्र में इनकम ज्यादा आ गई ना? हाँ इनकम ज्यादा आने की वजह वही तो गड़बड़ी हुई है, तभी तो एक कैंप लग रहे हैं। और काम सुनो, कोई सुनवाई कहाँ हो रहा है? यहाँ सर आने के बाद, यहाँ आने के बाद कहते हैं कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में जाने कहते हैं इनसे पे साइन कराओ, उनसे साइन कराओ, बताओ सर क्या करें? 2,000 रुपया घूस दो, और एक मिनट मीटर भी चेंज कराने कह रहे हैं, मीटर चेंज कराओ दूसरी। एक मिनट मुझे दिखा तो दो, क्या बिजली का बिल ज्यादा आ गया आपका? मैं रेंटर हूँ और मकान ये बिजली बिल मेरे पे दिखा करके मेरा राशन कार्ड काट। किसने दिखा दिया? मकान मालिक ने आपके नाम पे दिखा दिया? गवर्नमेंट रीडिंग, अच्छा रीडिंग लेने वालों ने आपके नाम का दिखा दिया सर, रीडिंग ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। हाँ, हाँ देखो एक जो है कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा बिजली बिल ज्यादा आ गया तो मेरा राशन कार्ड कट गया, यहाँ ये सब हो रहा है। और कई बार जो लोग एसी लगा के रखते हैं, कई बार एसी लगा के रखते हैं उनका ज्यादा बिल आता है तो उनका भी कट जाता है, जिसका प्रॉब्लम है उसके ऊपर कैसे दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो रेंटर है उसको दिखा करके मकान। मेरी बात एक बार, मेरी बात एक बार मानोगे भाई साहब? कोर्ट में जाओ, एक एफिडेविट बनाओ कि ऐसे मिस्टेक हुई है, मैं रेंट पे रहता हूँ ठीक है, और बिजली बिल में उन्होंने मिस्टेक जो भी है एक एफिडेविट बना के डिपार्टमेंट को दे दो, तीन महीने वो आपका सही हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बिजली लाओ एफिडेविट दिखाओ, तीन महीने अभी का बिल, एक मिनट एफिडेविट दिखाओ, अभी काम कराता हूँ। बिजली का बिल भी सर ज्यादा आ रहा है, लाओ भाई एफिडेविट दिखाओ, एफिडेविट दिखाओ अभी कराता हूँ। तो मैं जमा कर दिया हूँ बिजली बोर्ड में, कॉपी तो होगी, ये पेपर निकाल के दिया, कॉपी है उसकी, नहीं फोटो मोबाइल नहीं, ये देखिए बीपीएल में नाम कट गया। एफिडेविट बनाते हो ना तो उसकी कॉपी रखा करो, एफिडेविट जब भी बनाओ उसकी कॉपी रखो। बहुत लोगों को कटा है सर, बताओ विकलांग, बहुत लोगों का कटा है तभी ये कैंप लगा। ये देखिए, ये देखिए ये है किसके नाम पे, तो सेक्टर 21 में 84,322 ये बिजली का बिल है। अब देखिए ये हरियाणा सरकार का ये है, तुम्हारे भी दिखा दिया है का? हाँ एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 12,000 पर एनम, बेस्ड ऑन नंबर नाम करते जा रहा है बिल्कुल, जब देखो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है, कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो रही। परिवार पहचान पत्र में जो दिक्कत आई थी और आपने देखा होगा परिवार पहचान पत्र में बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ाकर दिखा दी गई, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका इनकी मांग है करेक्शन यहाँ पर कर दो, इनकी दौड़ भाग ना हो क्योंकि टाइम होता नहीं, गरीब आदमी है ड्यूटी पर जाना होता है, अभी कहाँ कहाँ दौड़ भाग करें, अब इनकी मांग है। एक मिनट आइए आइए काउंटर पे आइए, पता करते हैं, एक आदमी आ गया, परिवार पहचान पत्र, एक मिनट परिवार पहचान पत्र में क्या दिक्कत आई, एक आदमी आ जाओ तो बातचीत करते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। अगर
परिवार पहचान पत्र वाले कहाँ हैं भैया? परिवार पहचान पत्र वाले कहाँ हैं? आप हैं भैया? इधर दिखाना, एक मिनट देख लेते हैं, हमें भी जानकारी होनी चाहिए क्या है भैया। थोड़ा सा इधर आओ, ओटीपी आया होगा आपका। आयुष्मान तो कहाँ है, परिवार पहचान पत्र वाले कहाँ है? देखो इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये हैं हमारे साथ, कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। इसमें क्या सोल्यूशन है? देखो क्या इशू है, ये देखिए, ये बिजली बिल मेरा, मैं रेंटर हूँ, उसमें आप बिजली दफ्तर जाओगे आप सर? हाँ। बिजली बिल से मैं करवा दिया हूँ, हाँ, एक मिनट करवाने के बाद यहाँ पर वोट घर के जमा करने के लिए तो कारा 2000 रुपया। 2000 कौन मांग रहा है? गेट पे भी कोई एक रहता है। आप ऐसे गए होगे ना नीचे, आप ऐसे आप 11 नंबर में नहीं गए होगे? 11 नंबर में गए थे, अंदर कोई मांग। क्या कोर्ट से यहाँ पर कोई नहीं आया? एक मिनट, कोर्ट से यहाँ पर कोई नहीं आया अपना सामान लेके? तो यही करा दो ना यार, तभी तो कैंप लगा है, हैं? कैंप लग रहा है, इसीलिए तो लग रहा है। अभी कर दे रहा हूँ, आप हमारे पास अभी आए भाई, उनके पास गए थे। वेट तो करो, आप देखो कैंप लगा है तो यही चल रहा है अभी, आप रुकोगे नहीं, चल जाओ, यही रहना, मेरा नंबर ले लो। ठीक है भाई साहब, कैंप लगा है तो यही होना चाहिए। अब ये उनको यही जाना पड़ेगा तो क्या फायदा कैंप का? भाई यही रहना, मेरा नंबर ले लो। तो दोस्तों बंदे परेशान हो रहे हैं, कह रहे कोर्ट जाओ, ठीक है कोर्ट से आओ, ये कह रहे हैं यहीं पे काम हो जाएगा, कोर्ट भी जा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। आपके कहने के मेरा नंबर ले लो ना, आपके कहने के बाद आप दे दीजिए। हाँ ये तो गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, ये दिक्कत है ना सर, जब मीडिया वाले आते हैं कहते हैं यहीं काम हो जाएगा, और मीडिया दूर जाती है तो कहते हैं कोर्ट जाओ। चलो कोई बात नहीं, जनता के काम होने चाहिए, काम होगा तो जनता खुश होगी, काम नहीं होगा तो जनता नाराज होगी। दिक्कत आप कहे तो हो गया, लेकिन अगर हम गए तो क्यों नहीं हुआ? हमें तो लौटा दिया गया था ना, मेन तो यही बात है। पब्लिक का काम होना चाहिए, जरूर नहीं कि मीडिया वाले जाएं तभी काम हो। अपना नंबर, मेरा नंबर लो, 9353911711। इस पे फोन करना, काम ना हो इनकी फोटो खींच लेना, ठीक है? फोटो आ भी गई है वैसे वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।